तो पहली बार नहीं है। राजाओं के संदर्भ में कहा जाता रहा है कि वो जो स्पिरिचुअल गुरुज रहे बाबा की शरण में, वो जाते रहे। लेकिन यहाँ देखिए, बाबा की शरण में राजा, जब ये हम बात कह रहे हैं, तो यहाँ कुंडा के राजा बागेश्वर सरकार की शरण में गए। राजा भैया अपने दोनों बेटों के साथ मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम पहुंचे, पूरे विधि विधान के साथ परिसर में मौजूद मंदिरों में पूजा अर्चना की और साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेकर उनके साथ आधे घंटे तक धर्म कर्म से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। जाहिर है राजा भैया किस तरह से बागेश्वर धाम पहुंचने से यूपी की सियासत में जितने मुंह उतनी बातें होती रहीं, लेकिन इस मीटिंग के पीछे की इनसाइड स्टोरी रही क्या, बिग एंड बोल्ड स्टोरी नंबर टू। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में दो सनातनियों का ये मिलन है। एक संत है तो दूसरा सियासत का धुरंधर। लेकिन सोचे, लोगों का सौभाग्य, पीढ़ी का सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का बनाना ही है माय डियर, और बनकर के रहेगा। आदि शंकराचार्य के बाद अगर कोई सनातन उत्थान का और हिंदू उत्थान का कार्य कर रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुज दिल हैं। हम आपको आदर दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरे हुए हैं। हम जगे हुए हिंदू हैं। नंगे पांव और कुर्ते धोती में राजा भैया बागेश्वर धाम में हैं। धाम में बने अलग अलग मंदिरों में विधिवत पूजा कर रहे हैं। साथ में उनके दोनों बेटों शिवराज और ब्रजराज भी हैं। दोनों के साथ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने सबसे पहले बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद सन्यासी बाबा की समाधि पर पहुंचकर माथा टेका। मान जी के दर्शन किए और बागेश्वर धाम की महिमा के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, बाबा का आशीर्वाद लिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरी दुनिया में अपने बयानों और अपनी कथा के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही उनके भक्त मौजूद हैं। उनके भक्त अक्सर बागेश्वर धाम उनके दर्शन के लिए पहुंचते रहते हैं। इसी सिलसिले में यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया भी उनसे मिलने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे थे। रघुराज प्रताप सिंह ने घंटों बागेश्वर धाम में वक्त बिताया। जानकारी के मुताबिक उनकी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लगभग 30 मिनट की मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने कई धार्मिक विषयों पर चर्चा की। इतना ही नहीं, राजा भैया ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित किया। बताया जाता है कि बागेश्वर सरकार से मुलाकात में राजा भैया ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की भी जानकारी ली। दरअसल पिछले महीने ही बाबा बागेश्वर ने 9 दिनों की इस यात्रा का ऐलान किया था। देश भर में निकलने वाली इस यात्रा का मकसद सनातनियों को धर्म के प्रति जागरूक करना है। देश से भेदभाव और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को खत्म करके और भारत को भव्य बनाने का एक प्रयास होगा। बहुत ही जल्दी पूरे भारत के सनातनियों को जगाने के लिए भेदभाव, छुआछूत और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भव्य बनाना है। इस ध्येय को लेकर के 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम 9 दिनों तक जो हमसे मिल नहीं पाते, जिनके पास हम पहुंच नहीं पाते, ऐसे पिछड़े और बिछड़े लोगों को के पास जा करके उनको गले लगा करके और भारत को भव्य बनाने का संकल्प दिलवाएं। इन दिनों वक्फ बिल देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर राजा भैया हो या फिर बाबा बागेश्वर, दोनों के विचार बिल्कुल मिलते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं वक्फ बोर्ड पर कानूनी शिकंजा जरूरी है, तो वहीं राजा भैया कहते हैं कि राष्ट्र रक्षा का दायित्व सिर्फ राजनेताओं पर नहीं है बल्कि आम जनता को भी इसके लिए आगे आना होगा। बहुत ही धूर्तता, मूर्खतापूर्ण है, ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए
और निश्चित रूप से बकवोट के ऊपर कोई सिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए, ये हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है, किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी, वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त तो हो जाता है। आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है, तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। जाहिर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या राजा भैया, दोनों का मैसेज क्लियर है। दोनों अपने अपने मंचों से राष्ट्रवाद की अलख जगा रहे हैं। अब बाबर का देश नहीं, रघुवर का देश है यार। बेफिजूली हमने राम के लिए इतने साल कोर्ट में माथा पच्ची की, भगवान कृष्ण की पूजा नहीं खुलकर कर पा रहे, राम की यात्राओं में पत्थर लग रहे, पाल घर में संतों को पत्थरों से पीट पीट कर बर्बरता निर्दयता से मार दिया जाता, लोग कहते तुम चुप बैठो। दीवार के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती, वो हमारा था, आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। बाबा बागेश्वर इस वक्त हिंदू, हिंदुत्व और सनातन के बड़े ध्वजावाहक बनकर खड़े हैं। तो वहीं जिसके महल में जनता दरबार लगता है, जो शख्सियत कुंडा के लोगों के लिए पुलिस कोर्ट सब कुछ है, वो आखिर एक संत के चरणों में क्यों है, ये भी बताएंगे आगे। लेकिन पहले कुंडा के इस राजा का रौला देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सरकारें बदलती गईं, लेकिन कुंडा में 30 साल से लगने वाले जनता दरबार पर सरकारों के बदलने का कोई असर देखने को नहीं मिलता। कुंडा के बेंती में लगने वाले जनता दरबार में 30 सालों से अपनी समस्या को लेकर आने वालों की भीड़ में कभी कोई कमी नहीं हुई। जनता दरबार में राजा भैया के फैसलों को लेकर यहाँ के लोगों में गजब का विश्वास देखने को मिलता है। राजा भैया अगर कुंडा में हैं तो उनका दरबार हर रोज लगता है। कुंडा के बेती महल में लगने वाला जनता दरबार का फरमान यहां के लोगों के लिए अदालत के फैसले से कम नहीं है। इस दरबार में सुनवाई होती है, पीड़ित और आरोपी पक्ष के लोग बकायदा जीरह करते हैं, सबूतों और गवाहों को हाजिर नाजिर मानकर फैसले सुनाए जाते हैं। यहाँ के जज खुद राजा भैया होते हैं। बताया जा रहा है कि 3 दशक में राजा भैया की अदालत में दिए गए फैसलों को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी है। इसको लोग सम्मान के साथ साथ उनकी न्यायपीयता से जोड़कर देखते हैं। सियासत के पिच पर भी राजा भैया विरोधियों के बाउंसर पर सिक्सर जड़ने से पीछे नहीं रहते हैं। यूपी विधानसभा में कई मौके पर ये नजारा दिख भी चुका है। हमारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अपना गांव तो बता दो। हम ही क्या धर्मार्थ देते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। सिमन हिंदू तो सर्वसमावेशी है, किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहां पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया, कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। उल्टा जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना,
इनके आदर्शों पे चलेंगे तब अच्छा वातावरण अच्छा माहौल बनेगा। अगर बाबर और औरंगजेब के अनुसरण करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, तब तो शांति की कोई गारंटी नहीं। आज कुंडा से विधायक राजा भैया अखिलेश यादव पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश और राजा भैया के संबंध हमेशा से ऐसे नहीं रहे। कभी राजा भैया मुलायम और अखिलेश के करीबी नेताओं में से एक रहे। 1993 के विधानसभा चुनाव से राजा भैया ने राजनीति में कदम रखा था और तभी से वो लगातार 7 बार से कुंडा इलाके से विधायक हैं। अखिलेश जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो राजा भैया उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे। राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच की दूरी 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुई थी। ये वो वक्त था जब लोकसभा चुनाव में मोदी को शिकस्त देने के लिए समाजवादी पार्टी ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया था। इस पर राजा भैया ने नाराजगी जाहिर की थी और दोनों नेताओं के बीच खटास आ गई थी। ठीक उसी वक्त हुए राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश चाहते थे कि राजा भैया बीएसपी के कैंडिडेट को वोट करें, लेकिन राजा भैया ने बगावत करके बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया था। तब से अखिलेश के साथ राजा भैया की जो दूरियां बढ़ी वो आज तक कम नहीं हो पाई हैं। और आज तो राजा भैया खुले तौर पर योगी के कैंप में खड़े नजर आते हैं। उनका स्टैंड और उनकी आइडियोलॉजी भी बिल्कुल बदल चुकी है। राम के नाम से क्या लोगों का पेट भरे? अब वो समाजवाद के झंडा बरदार नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और सनातन के ध्वज वाहक हैं। और बाबा बागेश्वर के साथ मुलाकात की तस्वीर राजा भैया के इसी नए अवतार पर मुहर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।